नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतिक आपका वेद स्टडी ग्रुप पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीएसएसएल के फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो जिसका एग्जाम अप्रैल में होना है, जो 12 से 27 अप्रैल के बीच होगा। तो दोस्तों तैयार हो जाओ तैयारी के लिए, वेद स्टडी ग्रुप पे हमारे साथ जुड़े और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें, क्योंकि वेद स्टडी ग्रुप आपके लिए लाया है एसएससी सीएसएसएल का एक कंप्लीट कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम आपको फ्रेंड्स आज बताएंगे कि एसएससी सीएसएसएल की तैयारी हम कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने भी दिया था सीएसएसएल का एग्जाम, मैंने कैसे उसको क्लियर किया है और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे मेरे में, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्वेश्चन आया था और कितने आवर्स का था, क्या सिलेबस है, सारा डिस्कस करेंगे इसमें। एसएससी सीएसएसएल में फ्रेंड्स आपको पता है कि ये एसएससी सीएसएसएल जो है वह सीजीएल का ही प्री का पैटर्न फॉलो करती है। एसएससी सीएसएसएल की बात करें तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इसका सिलेबस क्या है, इसकी टाइमिंग क्या आती है, क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं एसएससी सीएसएसएल में, तो एसएससी सीएसएसएल में चार सेक्शंस होते हैं फ्रेंड, चार सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। पहला होता है जनरल इंटेलिजेंस, जो रीजनिंग कहलाता है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन आते हैं और टोटल 50 मार्क्स का, मतलब एक क्वेश्चन सीएसएसएल में दो मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो 25 × 2 टोटल 50 मार्क्स के। सेम जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में जिसके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, करेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सबसे क्वेश्चन आते हैं, ये भी 25 क्वेश्चन रहते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है। तो टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड। उसके बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में जो मैथ्स का सेक्शन होता है उसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक लैंग्वेज, जिसमें ये भी 25 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ये भी 50 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन आते हैं और जो 200 मार्क्स का होता है, और एक क्वेश्चन सही करने पे आपके 2 मार्क्स मिलते हैं और एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें फ्रेंड, आप ये ध्यान रखेंगे 0.05 की मार्किंग होती है। एग्जाम हमारा अप्रैल में होने वाला है, 4.5 मंथ अभी हमारे पास टाइम है, 4.5 मंथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है और किस प्रकार तैयारी करनी है। और इस एग्जाम की जो टाइमिंग होती है, ये CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन पेपर होता है आपका, इसकी टाइमिंग 60 मिनट की होती है, मतलब 1 आवर का होता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो होते हैं उसके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा 80 मिनट का होता है, बल्कि एक जनरल वे में इसको देखा जाए तो इसका पेपर 1 घंटे का होता है। तो हम देखेंगे कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे और हम आपके लिए क्या लाए, हम आपकी तैयारी में कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों वेद स्टडी ग्रुप आपके लिए पूरा कोर्स ही लाया, वो इस प्रकार से है कि आपको यहाँ चार सेक्शन हैं जो कि मैथ्स, रीजनिंग। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, हमारा पहला क्वेश्चन भी मैंने लिखा है कि हाउ टू स्टडी और फोकस ऑन सब्जेक्ट, कि हम पढ़ें कैसे, कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं, हम आपको सारे सेक्शन अपने YouTube चैनल पे पढ़ाएंगे, जो मैथ्स रीजनिंग, जिसमें कि मैथ्स और रीजनिंग मैं खुद पढ़ाऊंगा और GS और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको टीच करेंगी। और फ्रेंड्स मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि अगर हमारे साथ अगर आप 4.5 मंथ तक जुड़े रहे, इन 4.5 मंथ के पास आपके पास इतना कंटेंट तैयार हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दोस्तों मेरा कहना है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने के भी ठानी नहीं है। इसीलिए दोस्तों तैयार हो जाओ और हमारे साथ जुड़िए ताकि हम अपनी तैयारी को, आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतर बना सकें। मैथ्स की जैसे कि आप हाउ टू स्टडी, मैं बता दें सारे सब्जेक्ट की क्लास आपको एक्सपर्ट के द्वारा दी जाएगी। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी आवर्स, कितने आवर्स पढ़ने चाहिए, तो आपको फ्रेंड्स 5 से 6 घंटे आपको पढ़ने डेली है। 5 से 6 घंटे कैसे पढ़ेंगे, जैसे मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, जैसे मैंने एलजेब्रा पढ़ाया, तो एलजेब्रा को आपको टॉपिक्स तैयार करने हैं,
टॉपिक तैयार करने और टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। अभी मैं अपने YouTube चैनल पे पढ़ा भी रहा हूँ रीजनिंग भी, लेकिन वो क्रैश कोर्स टाइप में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो SSC CSL का आपको पता है कि एग्जाम अभी 4.5 मंथ के बाद है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और रीजनिंग, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे मैं अलजेब्रा पढ़ाया, तो अलजेब्रा के लिए आप एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया जाएगा। और आपके मन में कौन सी बुक पढ़ें, तो फ्रेंड्स आपको ज्यादा कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक प्रीवियस ईयर्स की बुक ले लेंगे। किरण की प्रीवियस ईयर्स की बुक आती है, जैसे मैंने अलजेब्रा पढ़ाया, तो अलजेब्रा मेरी क्लास लेने के बाद आप अलजेब्रा के क्वेश्चंस किरण से बनाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बनाएंगे। मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, परसेंटेज पढ़ाया, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया, उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप सिर्फ प्रीवियस ईयर से करेंगे। तो सिर्फ आपको एक बुक चाहिए मैथ्स में, किरण की, ठीक है फ्रेंड्स। और आप चाहे तो रीजनिंग के भी किरण की आती है, रीजनिंग के लिए भी आप एक प्रैक्टिस बुक ले लेंगे। इंग्लिश के लिए जैसे मैंने तैयारी किया था, तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आती है, वो भी सफिशियंट है, तो आप उसको ले सकते हैं। और जीएस हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आप मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा, तो आप ऑनलाइन टेस्ट आपको पता है कि मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें। और एक टेस्ट कम से कम पर डे आप जरूर बनाएं, जिससे आप अपने आप को अभी से इवेलुएट कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सारा का सारा टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में आपको अगर फ्रेंड्स बात करूं कि ये तो CBT 1 था, अब CBT 2 की बात करूं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होता है, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो CBT 1 पास करने के बाद आपका CBT 2, अगर CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें आपको फ्रेंड्स लिखना होता है। जैसे जब मैंने मेरा CBT 1 क्लियर हुआ था, तो मैंने दिया था, तो मेरे में क्वेश्चंस आए थे, उसमें दो क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड। एक ऐसे का क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताता हूं, उसमें फ्रेंड्स एक ऐसे आता है, हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताता हूं डिस्क्रिप्टिव में आपके दो क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? दो क्वेश्चन आते हैं, एक एसे आता है और एक लेटर आता है। आपके बहुत सारे मन में ये भी डाउट होगा, ये डाउट आप दूर कर लीजिए कि दो क्वेश्चन हैं, तो ये दो, जैसे कि एक लेटर, एक एसे आएगा और एक लेटर आएगा, मतलब एक लेटर आपको लिखना है और एक एसे लिखना है। तो क्या आपके मन में ये भी होगा, क्या एक जो क्वेश्चन लिखने के लिए आएंगे, क्या उसमें दो तीन, जैसे आप स्कूल के एग्जाम में हो तो ऐसे लिखते थे, तो क्या होता था उसमें दो तीन ऑप्शन रहते थे कि तीन चार ऐसे दिया है, तीन चार टॉपिक पे ऐसे दिया हुआ है, आपको लिखना होता। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स आपको दो ही क्वेश्चन है, मतलब एक ही ऐसे आएगा, उसी को लिखना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, दो तीन में से एक नहीं, जो आएगा उसको उसी पे लिखना। एक ऐसे आएगा और एक ही लेटर आएगा, दोनों ही लिखने आपको, कोई इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, जो आएंगे उसी पे लिखना। जैसे मैंने जिस साल दिया था, और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल करंट पे आते हैं, जो उसमें करंट का टॉपिक चल रहा था। जैसे मैंने दिया था, तो मेरे पे ऐसे आया था, स्वच्छ भारत अभियान उस टाइम चल रहा था, तो स्वच्छ भारत अभियान पे ऐसे आया था लिखने के लिए। और लेटर आया था कि इंडिया के स्पोर्ट्स मिनिस्टर को आप लेटर लिखें, जिसमें हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स को कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो ये दो क्वेश्चन आए थे, दोनों ही लिखने थे। और टाइमिंग 1 घंटे का होता है, 60 मिनट का, और ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। ये जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है वो 60 मिनट का होता है, 1 घंटे का पेपर, और 100 मार्क्स का होता है। और क्वालिफाइंग की बात करो तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसका 30% रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया टियर वन, टियर टू का। टियर टू के बाद इसमें टियर थ्री भी होता है, टियर थ्री में स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होता है फ्रेंड, जो कि 15 मिनट का होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आप थोड़ी सी चीजें और मैं बता दूं आपको कि मैथ्स में कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। तो मैथ्स में आपको फ्रेंड, मैथ्स में यहां पे भी आपको दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, एडवांस से भी और एरिथमेटिक से भी, और लगभग दोनों का वेटेज आपका बराबर ही होता है। तो दोनों को आपको लेके चलना है, एडवांस भी और एरिथमेटिक में भी। और दूसरा सेक्शन आता है आपका इंग्लिश का,
मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग, तो मैथ्स का हमने देखा, तो इंग्लिश में आपके तीन कैटेगरी से क्वेश्चन आते हैं, एक ग्रामर से आता है आपका, दूसरा वोकैबुलरी से आता है, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन में जैसे कि आपका कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, आपका एरर डिटेक्शन, ये सब सारे, आपका रीअरेंजमेंट, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट, ये सब सारे इंग्लिश के आपके, और इक्वली सबका वेटेज लगभग समान ही होता है। उसके बाद आपकी रीजनिंग में आप बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, रीजनिंग कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है सर, सीसीए सोशल में आपको रीजनिंग में जितना आपको कराऊंगा, टॉपिक वाइज रीजनिंग भी कराऊंगा मैं आपको, तो आप सिर्फ हमारे वीडियो देख लेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैथ्स की भी आपकी सारी टॉपिक वाइज चलेंगे और रीजनिंग के भी चलेंगे, और इंग्लिश भी हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपको इन सब चीजों में, और जीएस भी आपको कराया जाएगा, तो सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। तो फ्रेंड्स आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस प्रकार से हम आपको तैयारी कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।